नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं सीतापुर की नामांकन प्रक्रिया की हलचल लेकर। आज सीतापुर में विधानसभा चुनाव की नामांकन का छठा दिन था और यहां की कुल 9 विधानसभा सीटों पर 36 प्रत्याशियों ने आज नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा कुल 20 लोगों ने पर्चा खरीदा है। तो अब हम आपको विधानसभावार जानकारी देंगे कि किस विधानसभा सीट पर किस प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया है और किसने खरीदा है पर्चा। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं विधानसभा क्षेत्र सदर और महोली में, जहां की जानकारी दे रहे हैं जयंत श्रीवास्तव जी। देखिए, आपको बता दें कि सदर तहसील में 4 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इसमें जो है राकेश कुमार जो है निर्दलीय से पर्चा दाखिल किया है, बसपा के खुर्शीद अंसारी ने किया है, कांग्रेस की सफीना शफीक, आप पार्टी से आनंद जायसवाल ने पर्चा भरा है। वहीं 5 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है। इसमें श्रवण कुमार निर्दलीय, आशीष कुमार जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे हैं इन्होंने पर्चा लिया है, और रामेश्वर प्रसाद निर्दलीय इन्होंने पर्चा लिया है। मोहली की बात करें तो मोहली में 5 नामांकन पत्र जो है हुए हैं। कांग्रेस से आशीष मिश्रा ने नामांकन किया है, सुभाष सेना से राजेश कुमार राठौर ने, बसपा से राजेंद्र प्रसाद वर्मा ने, निर्दलीय राधेश्याम और श्यामलाल इन्होंने नामांकन पत्र भरा है। वहीं 6 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। इसमें जो है मनीष त्रिपाठी ने भाजपा के शशांक त्रिवेदी के लिए पर्चा लिया है, राम कुमार मिश्रा प्रजातंत्र पार्टी के हैं इन्होंने पर्चा लिया है, अनिल कुमार गुप्ता जो है निर्दलीय इन्होंने नामांकन पत्र लिया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं विधानसभा क्षेत्र हरगांव और लहरपुर, वहां की जानकारी हमें देंगे विपिन राजवंशी जी। आपको बता दें हरगांव विधानसभा में कुल 5 नामांकन आज हुए हैं, जिसमें से बसपा के रानू चौधरी, सपा के रामहित भारती, भाकपा माले के अर्जुन लाल, भाजपा प्रत्याशी हैं सुरेश राही, ममता भारती जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन किया। पर्चे आज एक भी नहीं बिके हैं। यहां पर लहरपुर की बात करें तो 2 नामांकन हुए हैं, जिनमें से संतोष सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से, अनुपमा द्विवेदी कांग्रेस से पर्चा दाखिल किया है। यहाँ पर भी नामांकन के 6ठे दिन कोई भी पर्चा नहीं बिका है। विधानसभा क्षेत्र सेवता और बिसवा में किस प्रत्याशी ने आज नामांकन दाखिल किया और कितने बिके हैं पर्चे, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे आपको ले चलते हैं अपने सहयोगी प्रियांशु मिश्रा के पास। जी, आज आपको बता दें कि आज नामांकन का 6ठा दिन था, तो बुधवार को सेवता में 1 नामांकन हुआ है। कांग्रेस के विजयनाथ अवस्थी ने नामांकन किया है, जो कि बता दें कि जिलाध्यक्ष है कांग्रेस उत्कर्ष अवस्थी के पिता है, उन्होंने नामांकन किया है। और अगर पर्चों की बात करें तो आशीष प्रताप सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने आज पर्चा खरीदा है। आपको बता दें कि सेवता में इससे पूर्व विधायक जो है विधायक ज्ञान तिवारी मौजूदा भाजपा से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। महेंद्र कुमार सिंह झीनबाबू समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक भी रहे, उन्होंने भी आज पर्चा अपना दाखिल कर चुके हैं इससे पूर्व। और अंजू तिवारी जो कि वर्तमान विधायक ज्ञान तिवारी की पत्नी है, उन्होंने निर्दल रूप से पर्चा दाखिल किया है। तो सेवता विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुल 4 नामांकन हुए। और बात करें हम अगर बिसवा से नामांकन की तो आज कुल जो है आज 6 नामांकन हुए। अफजाल कौसर समाजवादी पार्टी से इन्होंने नामांकन किया है आज, और इससे पूर्व 31 को ये 2 सेट में जो है नामांकन दाखिल कर चुके हैं, आज इन्होंने अपना 3रा सेट दाखिल किया। वंदना भार्गव कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्होंने आज नामांकन किया है। सलील सेठ जो कि आपको बता दें कि इन्होंने निर्दल रूप से आज नामांकन किया है, और ये लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में रहे और बिसवा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इनको टिकट ना देकर पूर्व विधायक निर्मल वर्मा को टिकट दिया था भाजपा ने, जिसके बाद इन्होंने अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें अपना गुस्सा भी उतारा था पार्टी के ऊपर, लेकिन आज इन्होंने बाकायदा निर्दल से रूप में लड़ने का ऐलान किया और नामांकन भी दाखिल कर दिया। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं निर्मल कुमार वर्मा, इन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया अपना 2रा सेट, इससे पहले 1 फरवरी को अपना 1 सेट दाखिल कर चुके हैं। हासिम अली जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, आज इन्होंने अपना 3रा सेट दाखिल किया है, और रियाजुद्दीन उर्फ राजू निर्दलीय रूप से इन्होंने नामांकन किया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि इससे पूर्व रामलखन गौतम और नत्थाराम ये निर्दल रूप से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो इस प्रकार बिसवा विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रत्याशी अभी तक नामांकन कर चुके हैं। जहां तक पर्चों की बात करें तो आज 3 लोगों ने पर्चा खरीदा है, राजेंद्र कुमार मौर्य निर्दल, सलील सेठ इन्होंने भी निर्दल रूप से पर्चा खरीदा है, और प्रभाकर सिंह चौहान इन्होंने शिवसेना से जो है अपना पर्चा खरीदा है। तो 6 विधानसभा क्षेत्रों का हाल हम आपको बता चुके हैं। अब जो सीतापुर की 3 विधानसभाएं बची हैं, विधानसभा क्षेत्र सिधौली, महमूदाबाद और मिश्रिख,
उसकी जानकारी के लिए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं अपने सहयोगी निशान गुप्ता के पास। जी हम बताते चले कि आज नामांकन का छठा दिन था, जिसमें सिधौली से कुल 5 आज नामांकन हुए हैं, जिनमें सपा के प्रत्याशी डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने किया है, पुष्पेंद्र कुमार ने बसपा से, कमला रावत ने कांग्रेस से, मनीष रावत ने भाजपा से व राजकरण ने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से आज जो है नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं सिधौली में आज मोहम्मद नईम ने निर्दलीय, पुष्पेंद्र कुमार ने जो है मनोज कुमार के लिए पर्चा खरीदा है, दो लोगों ने आज पर्चा खरीदा है। वहीं पर अब ले चलते हैं आपको हम महमूदाबाद पे, तो महमूदाबाद में आज कुल 3 नामांकन हुए हैं, जिनमें आशा मौर्य भाजपा से, दीप कुमार जो है निर्दल और विनोद कुमार निर्दल, 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। वहीं पर एक पर्चा बिका है, जिसमें विनोद कुमार ने आज पर्चा फिर से लिया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में जो है मीसम अम्मा रिजवी, जो कि बसपा से महमूदाबाद के दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं, वह उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल किया था, और सपा से मौजूदा विधायक जो महमूदाबाद के नरेंद्र सिंह वर्मा, उन्होंने भी नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। और अब आपको ले चलते हैं मिश्रिक में जो है आज कुल 5 नामांकन हुए हैं, जिनमें रामकृष्ण भार्गव ने भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, श्याम किशोर जो बसपा से प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, धर्मेंद्र धनगर जो जनसत्ता दल से हैं उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है, विजय प्रकाश गौतम आजाद समाज पार्टी से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, और बाबूराम जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं मिश्रिक के, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो कुल आज नाम जो है 5 पर्चे दाखिल हुए हैं। वहीं जो पर्चे बिक्री की बात करते हैं तो उसमें प्रताप कुमार राजवंशी हैं, जो कि सुभाष चंद्र राजवंशी के लिए उन्होंने कांग्रेस से पर्चा खरीदा है। वहीं छेदी लाल ने जो है शारदा देवी के लिए निर्दलीय पर्चा खरीदा है। तो कुल आज 5 नामांकन व 2 पर्चे बिके हैं, जिसमें से, और आपको बता दें कि पूर्व में जो है मनोज कुमार राजवंशी सुभाषपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन पहले कर चुके हैं, और बहुजन मुक्ति पार्टी से संतोष कुमार ने जो है अपना नामांकन पूर्व में कर चुके थे। तो ये था नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन का हाल। सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीटों पर जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। अब कल अंतिम दिन है नामांकन का। कल नामांकन प्रक्रिया के बाद जो प्रत्याशी हैं प्रमुख दलों के या अन्य जो भी प्रत्याशी हैं, वो जनता के दरबार में पहुँचेंगे समर्थन मांगने। उसके बाद शुरू होगा चुनावी घमासान। फिलहाल आई इंडिया की नज़र लगातार चुनावी हलचल पर बनी हुई है। आप लोग चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आई इंडिया।